नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अभी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जो घोषणा की है वो पूरे देश में लागू होगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना की स्थिति और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 12वीं के पेपर रद्द करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि आगे बैठक करके निर्णय लिया जाएगा कि बच्चों को प्रमोट किस फॉर्मूले के तहत करना है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर बच्चों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। सर, आज जो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली है एजुकेशन के और जो बच्चों को यानी कि पेपर जो कैंसिल कर दिए गए 12वीं के, तो इसके बारे में आप देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 12वीं के पेपर हैं उनके बारे में सारी जानकारी देश की लेके और सब जो शिक्षा मंत्री थे उनके सुझाव लेके और सारी बैठक करने के बाद आज उन्होंने जो पेपर थे वो कैंसिल कर दिए। कोरोना की सारी स्थिति को देखते, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते, उन्होंने 12वीं का पेपर स्थगित कर दिया। और अब उसके बारे में किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा वो भी विचार विमर्श करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट से लेंगे निर्णय, क्या लेंगे, तो वो अभी लेना है निर्णय, तो उसके बारे में भी नहीं है क्योंकि अभी तक तो यही खबर आई है, तो उसके बारे में विचार करके उसके बाद निर्णय लेंगे। तो सर, अब क्या लगता है कि भी बच्चों के यानी कि प्रमोट कैसे किए जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जो कि यानी कि इसमें अच्छे नंबरों से अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात है, लेकिन जिस प्रकार से अभी पेपर कैंसिल किए गए हैं तो उसके बाद इसका क्या प्रारूप रहेगा उसका निर्णय इसके बाद किया जाएगा और हम बैठ के इसके बारे में बातचीत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे कि क्या इसका तरीका रहेगा, तो उसकी जानकारी हम जो है बाद में देंगे आपको। तो सर, जैसे कि यानी कि आपकी तैयारियां थी पूरी, तो अब यानी कि क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मैं एक छोटा वो देखने के मामले में और प्रधानमंत्री जी पूरे देश के बारे में विचार कर रहे हैं, तो पूरे देश की परिस्थितियां क्या है उनके मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया हमें वो निर्णय पूरी तरीके से स्वीकार है और उनके जो जो भी निर्णय लिया हम उसके अनुसार काम करेंगे। और जो बच्चे प्रमोट हैं उसके बारे में बाद में बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, उस विचार विमर्श के बाद। जो बच्चे हैं सर, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, बच्चों को देखिए, बच्चों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तो निश्चित तौर से हम इसके बारे में विचार विमर्श करके कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। सर,